ये सिर्फ परम की मम्मी नहीं है, ये तो शेरनी है, शेरनी परम की परदादी गुरनाम के बाद दूसरी शेरनी आई है, महर कौर गिल। आज इस शेरनी की वजह से सरफ के परदादे के बाद सरफ सरदारों का सरदार बनेगा। सरदार सर्व सरदारों का सरदार। जी वंडरफुल, जी वंडरफुल। और हॉर्न बजा टोल। आज बहुत खास दिन है। मैं इतनी सी थी, सरफ की परदादी को ये जोड़ा पहने हुए देखा था। कितनी सोनी लग रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मरने के पहले ये नजारा देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, रब के रंग भी निराले होते हैं। रब ने हम सब की अरदास सुन ली और इस हवेली को एक शेरनी मिल गई और सरदारों का सरदार। तुम दोनों की जोड़ी रब ने ऊपर से बनाकर भेजी है। आज मैं तेनु एक खास चीज देने जा रही हूं। इस हवेली और गिल परिवार का मान। इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है और मुझे पूरा यकीन है तू इस जिम्मेदारी को पूरे हौसले और समझदारी से निभाएगी। मुबारका जी मुबारका, गिल खानदान को असली सरदारनी मिल गई है। नजर ना लगे मेरी कुड़ी ने। अजी ये तो इसकी खुशी के आंसू हैं। जब बहुत खुश होती है ना तो आंसू बह जाते हैं। बस कर पुत्र, बस कर। रोने का तमाशा बंद करो, मुस्कुराओ। अपने पेट में जो फार्म मिल रहे ना
उसके लिए मुस्कुरा दे। वाजी, वाजी। अजी आगे से ऐसा ड्रेस सिलवाना है तो बिल्लू दर्जी का नंबर मुझसे ले लीजिए, ठीक है जी? मौमसी, इस प्रीति भाभी। ओए तू प्रीति को छड़ और अपनी वॉटी को ना मेहंदी के लिए ले जा, बिठा उसे वहां पर, जा जा। ओ जाओ सरदार जी, जाओ। Don't be shy man, come on. यूवी, मेहर बुआ का हाथ ना, भाग के जाओ सरब अंकल के हाथ में देखे आ जाओ। जा। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया, मैंने ना सरब अंकल का हाथ ही तोड़ देना। वेरी नाइस मेहर पुत्र, दैट्स द वे। मत देना इसके हाथ में अपना हाथ। तुझे पता है मैंने भी अपने विवाह में बिल्कुल ऐसा ही किया था, फिर सरब के मास्टर जी ने मुझे गोदी में उठा लिया था। ओह कम ऑन सरब, बी अ जट एंड चुक ले नू फटाफट। What is this, प्रीति भाभी? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ? क्या हुआ वीर जी? मम्मा ने बुलाया क्या? जी नहीं, मैं बुला रहा हूँ। कमान प्रीति भाभी, सब नीचे और मेहंदी भी शुरू होने वाली है और आप यहाँ कल्ले कल्ले बैठे हो। वो वीर जी बस थोड़ा सा काम था, और ये देखो ना कितने कपड़े फैले हुए हैं, इन्हें भी तो तय लगाना है। आपको इन्हें तय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन वीर जी। नो लेकिन नो मगर, चलिए मेरे साथ चुपचाप। वीर जी आपको तो मम्मा का पता है ना, मैं नीचे गई तो उन्होंने बहुत गुस्सा होना है, और ऐसे शुभ कामों में एक विडो का होना। प्रीति भाभी चलो मेरे साथ। वीर जी तुसी दोनों मेरी सौ। पापी, देवर का ब्याह हो और पापी रौनका ना लगाए, एक ही में हो सकता है ना? उसी बैठो, मैं होने आया। ओए, तू यहाँ कैसे आ गई? कहा था ना मैंने तुझे ऊपर बैठ, कहा था कि नहीं? लेकर आ गई अपनी मनहूस बूथी यहाँ बदछगनी करने? मर जानी कहीं की, अरे दफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? प्रीति भाभी बैठो, कुछ नहीं होगा।
पानी पियो। मौमसी, अगर प्रीति भाभी एक विडो हैं, तो मैं भी तो एक विडोअर हूं। आप कह रही हैं हरविंदर वीर जी को खा गए, पर आपने ये कभी नहीं कहा कि सरब तू सिमरन को खा गया। क्यों? जस्ट बिकॉज मैं एक आदमी हूं? जब सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी ने एक आदमी और औरत को एक समान रखा है, तो आप और मैं कौन होते हैं उनमें फर्क करने वाले? प्रीति भाभी कहीं नहीं जाएंगी। भाभी जे तुसी चले गए ना, तो फिर मैं भी चले आया। दुनिया में ना सबसे पहले रब का नूर होता है। हम सब तो कुदरत के बंदे हैं, रब के नूर से ना पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। फिर कौन भला कौन बुरा? मॉन मॉमसी, आप एंजॉय करो, चिल मारो। म्यूजिक। एनु की होया? ए चली क्यों गई? वॉशरूम गई होगी, मैं भी देख के आती हूँ। महर, नहीं भाभी, नहीं, मैंने ना ये तमाशा और नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बात क्या हुई महर? भाभी इतने सारे लोगों का भरोसा, दिल खानदान की मर्यादा, उम्मीदें, इतने सारे लोगों का भरोसा भाभी मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? इस जिम्मेदारी के बारे में सोचते ही मेरे को कुछ। महर, इस वक्त ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच। अभी तो मुझ में और मेरी माँ में क्या फर्क हुआ? हाँ, मतलब ही वो अपने मतलब के लिए ब्याह करवा रही है और मैं अपने मतलब के लिए। पर हम जो अपनी सगी माँ से भी बढ़ के मुझे मानते हैं, सिर्फ जीत जिन्हें लगता है कि मेरी वजह से उन्हें सरदारों का सरदार खिताब मिला है, भोली मासी चाय जी और नीचे बैठा हर वो बंदा जिन्हें उम्मीद ही नहीं पावी, यकीन है कि मैं इस घर की पूरी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। इन सब लोगों को पावी मैं अपने मतलब के लिए कैसे धोखा दे दूं? आप कैसे धोखा दे दूं? परम सरबजीत और बाकी सबको मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। नहीं, मैं सरबजीत को सब बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी। महर, तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ भाभी, ऐसा कुछ नहीं कहेगी तू? नहीं भाभी, मैं सरबजीत को बता दूंगी, बता दूंगी कि मेरे पेट में मेरे बाल की निशानी पड़ रही है, मेरे बालों की निशानी। It's
इतना इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती मैं, पापी नहीं बोल सकती। मैं सरबजीत को बता दूंगी कि मेरे बेटे मेरे प्यार की निशानी पल रही है, तेरी मानव की निशानी। मैं उनसे हाथ जोड़ के बिनती करूंगी कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती बाबू। नहीं मेहर, नहीं। मैं सब कुछ बता दूंगी सरबजीत को। मैं जी